बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर होस्ट नुजरत मुगल विद लेट्स कनेक्ट शो पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। तमाम लोग जानते हैं कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिसाल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और अब ये एक इनिशिएटिव हमने उठाया है कि जी क्यों ना एक ऐसा शो आप तमाम लोगों के लिए आपकी स्क्रीन्स पे लाया जाए जो कि प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेटिव शो हो, जहाँ पे हम उन लोगों को बुलाएं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से जिनका ताल्लुक हो, प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हों। तो इसी टॉपिक पे, यानी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों को जो हमने अपने शो में इन्वाइट करना स्टार्ट किया है, उनमें से आज एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ हमारे इस लेट्स कनेक्ट के सेट पे मौजूद हैं, जो जिनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी फील्ड से। पिछले 3 साल से वो वाबस्ता हैं। क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है, ये वो बताएंगी अपनी ज़बानी। आप हमारे साथ मौजूद हैं मिस नबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी कहने को एक बहुत मतलब टफ फील्ड है ना, आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वंस आप एक बार समझ जाओ सारी चीजों को, देन उसके बाद आपके लिए ये पीनट बन जाता है और बहुत इजी वे हो जाता है। नबीला, कितना टाइम हो गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड? मुझे जो है 3 साल हो गए इस फील्ड में, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं था। मैंने जिस फील्ड में गई थी उसमें भी प्रॉपर्टी के रिलेटिव ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, मैं जॉब के करियर में आई, तो मुझे जो फील्ड मिली वो प्रॉपर्टी की ही जॉब मिली। तो शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, नर्वस थी कि आई कांट डू दिस, बट वो कहते हैं ना कि आप कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। तो काम शुरू किया और जो है आगे चलते गए। तो मैंने जो है एक कंपनी ज्वाइन की जो कि डिप्लोमेट सर्विसेज के नाम से है, बहरिया टाउन कराची में है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका नाम है बहरिया टाउन में। आप सर्च भी करें तो आपको पता है आजकल जो है इंटरनेट का जमाना है, आप एक सर्च कर दे तो सब हिस्ट्री आ जाती है। तो बहुत अच्छा जो उनका नाम है बहरिया टाउन में, काफी सुना था, तो उनके साथ मैंने ये प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी की फील्ड में आई, शुरू में बहुत चीजें मुश्किल थी, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जिस तरह से हम आगे बढ़ते गए, काम सीखते गए, तो चीज़ें बहुत इजी होती गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 3 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और बहुत सी चीज़ें लाइक प्रॉपर्टी के बारे में ऑलमोस्ट अब पता चली हैं, लेकिन वो है कि आप जितना भी कर लो उसके बारे में आपको इतनी नॉलेज होती नहीं, आपको काम करते जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती रहती है। मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी भी इतनी मुश्किल फील्ड नहीं है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो कहती हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल फील्ड है, हम इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते, या ये फील्ड जो है हमारे लिए नहीं है। कि मुझे लगता है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी एक लड़कियों के लिए भी है, बस आपको मेहनत करनी होती है, आपको चीजें समझने की जरूरत है। बाकी ये काम भी मुझे लगता है सबके लिए है। एग्जैक्टली, जो इस चीज से पीछे हटते हैं मुझे लगता है उनको भी ये नहीं करना चाहिए। जो लड़कियां कहती हैं कि नहीं यार ये लड़कों की फील्ड है, बहुत से मैंने भी देखे इसमें, कि मैं उन्हें भी मोटिवेट करती हूँ कि नहीं यार आप आए, आप कर सकते हैं, ये वो फील्ड है जो सबके लिए। अब कुछ ऐसा अच्छा, नहीं नबीला, हम ये सवाल ऐड अभी इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि आपको माशाल्लाह 3 साल हो गए, लोगों को बहुत साल हो गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि एक अच्छा प्रॉपर्टी एजेंट या एक अच्छे प्रॉपर्टी बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है, तो आपको क्या लगता है कि वो की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला की पॉइंट मुझे लगता है आपकी अपनी नॉलेज है। जब तक आप एक चीज बेच रहे हो, आपके आपको उसके बारे में 100% नॉलेज नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज आप बेच सकते हो। ऑब्वियसली अगर मैं एक चीज बेच रही हूँ तो मुझे उसके बारे में 100% वर्किंग होनी चाहिए, मुझे उसके बारे में सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब मैं एक चीज बेचने जाऊंगी तो मुझे उसके बारे में जब कुछ फीचर्स मुझसे, ऑब्वियसली क्लाइंट्स फीचर्स पूछते हैं कि इसके क्या फीचर्स के लेने के हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं, तो जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी मैं उसे सेल नहीं कर सकती। तो सबसे जरूरी है आपकी अपनी नॉलेज। तो मुझे लगता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है आपकी इस प्रॉपर्टी में। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हम चले जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस पे। मुझे लगता है कि आप अगर एक चीज आपको पता है लेकिन अगर आप उसे ब्रीफ नहीं कर सकते, अगले बंदे को समझा नहीं सकते, तो फिर आपके नॉलेज का भी कोई फायदा नहीं हो रहता। तो ये भी मुझे लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब नॉलेज है आपके पास, आप उसको इतनी अच्छी तरह के ब्रीफ कर सकें कि उन्हें पता चले कि हाँ आप जो बेच रहे हैं वो एक छोटी चीज नहीं और एक अच्छी चीज है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं आप बेसिकली। ऐसा ही है। देखिए, अगर आपको अपने ब्रांड की क्वालिटी दिखानी है, क्वांटिटी दिखानी है, तो उसके लिए आपको अपनी ब्रांड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस चीज पे आप वर्किंग कर रहे हैं, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, उसका आपको A to Z हर चीज पता होनी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, जब आपने जैसे बताया कि भाई शुरू में होती है मुश्किल सबको, तो सबसे टफेस्ट जो मतलब मुश्किल थी, ऐसी चीज आपने सोचा बस अब गिव अप हो जाएगा शायद मेरा, तो वो क्या था? मुझे लगता है कि इस फील्ड में आपका एक पेशेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि काम हम सीख लेते हैं, हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, लेकिन बाज दफ़ा हमारे पास ऐसे होते हैं बहुत से क्लाइंट्स आके बैक चले जाते हैं कि नहीं हमें समझ नहीं आया कुछ होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सी जो सेल्स होती है वो डीमोटिवेट्स हो जाती है कि नहीं यार हम नहीं हाँ, कर ये सकते। बड़ा इशू होता है लोगों का जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो कि जी क्लाइंट आ गया वापस चला गया। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर पेशेंट भी लाजमी होना चाहिए। जब आपका आपके अंदर पेशेंस होगा तो आपके पास 10 क्लाइंट्स आके भी जा रहे होंगे ना, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि नहीं यार जब मैंने इतना काम किया तो मैं ऑब्वियसली इसको सेल भी कर सकती हूँ। ऐसा ही अगर है, आपके ऐसा ही है। पास दिन में 10 आ रहे हैं, 10 बैग जा रहे हैं, तो आपको पेशेंट रखना है, आपको जो है बैक नहीं खाना कि नहीं यार अब यहाँ तक आने के बाद नहीं कर पा रही, लेकिन मेहनत का सिला अल्लाह पाक खुद भी देता है, तो ऐसा ही आपको है, स्टिल मेहनत करते रहना चाहिए इंशाल्लाह, जो आपके पास फिर एक ना एक दिन आपकी मुझे लगता है डील लाजमी मैच्योर होती है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, अब आजकल के हमारे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो किस हद तक इस वजह से डिस्टर्ब हुआ है? अभी अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि मुल्क के हालात भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, जबकि हमारी अपनी जो हुकूमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो इस हवाले से प्रॉपर्टी में मैं ये नहीं कहूँगी कुछ असर नहीं पड़ा, काफ़ी असर पड़ा इस बिल्कुल फील्ड पे, और प्रॉपर्टी की प्राइजेज जहाँ पर थी वो बहुत ज़्यादा जो है लो हुई हैं, और बहुत ज़्यादा जो उसमें फ़र्क आया है। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ये फील्ड जो है, अभी अप एंड डाउन हर चीज़ में आते हैं, इस बिल्कुल फील्ड में भी बिल्कुल आए हैं और हर चीज़ में आए हैं, तो प्रॉपर्टी में भी आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये आपके लिए एक बेनिफिट नहीं रहा है, या आपको ये मुझे लगता है आज की सरमाया और कल की आपका मुनाफा है। तो ऐसा अगर ही है, आज ऐसा ही है। आज आप एक अच्छा स्टेप लेते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, अपने किसी और के लिए, अभी ये क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट है कि आपको एक चीज़ जो अगर आप कहीं घर लेने जा रहे हैं, अगर हम भैरियाटॉन की बात करें तो अभी काफ़ी प्राइजेस लो है, अगर आप वहाँ पे आज प्रॉपर्टी लेते हैं तो कल को जब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तब वो ऑब्वियसली अपनी प्राइस ऊपर जाएंगी। ऐसा ही है। तो जैसे आपने कहा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात की जाए, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसका ऐसा मुनाफा मिले और ऐसा रेंटल इनकम मिले कि जिससे आपको वाकई लगे कि यार दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, तो वो है कनेक्ट 2.0, जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6th फ्लोर ऑफ आरजे मॉल, और साथ ही साथ ए ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारा ये लेट्स कनेक्ट शो का सेट भी है 4th फ्लोर ऑफ आरजे मॉल, जो कि है कनेक्ट कमर्शल हब। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप एक कनेक्ट कमर्शल हब आपके लिए एक मॉडल है कि कनेक्ट कमर्शियल हब इतना कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सक्सेस हुई है कि उसके बाद हमें अब कनेक्ट 2.0 की तरफ जाना पड़ा और हमने कनेक्ट 2.0 को अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जी ऑफिस से रिलेटेड उनके पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो अच्छे इन्वेस्ट कर सकें और वहाँ से अपना जो है वो मुनाफा कमा सकें, तो जी आपने जो हमारे यूएन नंबर्स हैं कनेक्ट 2.0 के लिए उन पे ज़रूर कांटेक्ट करना है। अच्छा नबीला, एक चीज़ जो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने खुद भी कहा कि बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, लड़कियाँ कहती हैं जी प्रॉपर्टी फील्ड बड़ी मुश्किल है, आपको भी यकीनन मुश्किल हुई होगी जैसा कि आपने बताया कि हुई है, जो लड़कियाँ हमें देख रही हैं और आना चाहती हैं इस प्रॉपर्टी फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग जब हम कुछ भी किसी भी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं तो हमारे लिए न्यू होती है, उसमें हमें बहुत सी मुश्किल आती हैं, बहुत से डिफ़िकल्ट आते हैं, कि मुझे लगता है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आप आगे बढ़ें, अपनी नॉलेज पे काम करें, और अपने जो आप जिस चीज़ को एक आप स्टेप ले लेती हैं एक स्टेप, तो आप अपना एक स्टेप पीछे ना जाएं, आपको 2 स्टेप और आगे ही आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डीमोटिवेट ना हो, डीमोटिव करने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, आपके साथ पे कोई नहीं होगा जो आपको आगे की तरफ मोटिवेट करेगा और ना ही आपके पास ऐसे स्टाफ होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और आपको आगे बढ़ते रहना है, तो ये आपके जाके आगे इंशाल्लाह जब आप फिर आप जिस मुकाम पर आएंगे फिर आप खुद अपने ऊपर प्राउड करेंगे, और जो आप लोग को पीछे कहते हैं कि हट जाए वो भी आपके ऊपर एक दिन इंशाल्लाह जरूर प्राउड करेंगे। ऐसा ही है। अच्छा, अब घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है, प्रॉपर्टी फील्ड में है आप क्योंकि? हाँ, घर वालों की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो भी कहते थे कि प्रॉपर्टी एक ऐसी फील्ड है जो लड़कों के लिए है, क्योंकि एक चीज़ जो है माइंड में बिठा दी एक जाती है कि माइंडसेट बन हाँ चुका कि है, ये ऐसा ही है। लड़कों के लिए लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने इस चीज़ में एक स्टेप रख लिया तो मुझे आगे जाना है, मैं पीछे हटूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं फेल हो गई हूँ ऐसा और ही है, मैं ऐसा अपने ही आप है। को हारते हुए नहीं देख सकती थी। That's so तो true. अल्हम्दुलिल्लाह फिर घर से बहुत सपोर्ट किया सबने, बाहर के कुछ लोग थे जो फ्रेंड्स और बात की जाए उन्होंने बहुत कहा कि नहीं इस फील्ड में मत जाओ, लड़कियों के लिए नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँची हूँ। 3 साल से काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रही हूँ भैरियाटॉन कराची में, अपनी जो है हमारी कंपनी है डिप्लोमेट सर्विसेज के नाम से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके जो है मार्केटिंग वगैरह भी देख रहे होते हैं, तो That's very अल्हम्दुलिल्लाह good. अब बहुत
बहुत अच्छा काम चल रहा है। जबरदस्त, जैसा कि नबीला ने भी बताया और हम सब भी, कि इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज भी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपको जो है वो जितनी भी एम्प्लॉयज हैं, फीमेल एम्प्लॉयज भी हैं, वो भी आपको हमेशा यही कहते हुए सुनाई देंगे कि जी सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट है, साथ ही साथ एक फैमिली एनवायरमेंट है जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं। इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमेशा से ही अपने तमाम एम्प्लॉयज का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ख्याल रखा है। उनके जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, बर्थडेज होती हैं, वो सब यहाँ पर एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट की जाती हैं। और इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही ये एक इनिशिएटिव है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो आप लोगों के लिए लॉन्च किया जाए, एक ऐसा प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो आपकी स्क्रीन पर लाया जाए जिससे आपको प्रॉपर्टी के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा मालूम मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच नबीला, आपने हमें टाइम दिया और हम आपको गुड लक कहते हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोगों ने अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है लेट्स कनेक्ट शो के लिए, कि आपको ये शो कैसा लगता है, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप इस शो में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जा रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बाकी का प्रोग्राम।